लेसन नंबर वन है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस के अंदर लोगों के बारे में पढ़ा जाता है जो सोसाइटी के अंदर होते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता कि लेबॉरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। सो इकोनॉमिक्स की यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी द पीपल इंगेज अवर सेल्फ इन प्रोडक्शन। एंगेज करते हैं अपने आप को प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में गुड्स सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की सोसाइटी के अंदर। और एक दूसरी डेफिनेशन दी गई है जो कि ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि इकोनॉमिक्स है क्या। सो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए जिसके अंदर स्टडी किया जाता है, जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स का मतलब होता है ह्यूमन वांट्स, और रिसोर्सेज का मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। सो वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। सो इकोनॉमिक्स का मकसद ही यही है कि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से। सो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होती है और पॉजिटिव होती है। नॉर्मेटिव जो होती है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं करती, और जाहिर बात है उसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की अगर हम एग्जाम्पल लें, ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर जो है वो बेटर है ग्रीन से, तो अब इसको प्रूफ या डिसप्रूफ नहीं किया जा सकता। इसके मुकाबले में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो जाहिर बात है बेस करती है फैक्ट्स के ऊपर, और उसको प्रूव भी किया जा सकता है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट की मिसाल लें, व्हेन प्राइसेस फॉल, जब प्राइस गिरते हैं, पीपल ऑफन डिले देयर परचेजेस, तो लोग जो है अक्सर अपनी जो परचेजेस होते हैं उसको डिले कर देते हैं। सो नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ये इनपुट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। इन फैक्टर्स के जरिए ही प्रोडक्शन जो है जारी बातें पॉसिबल होती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन में। सो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप चार होते हैं। सो लैंड के अंदर जो है वो लैंड भी शामिल होती है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेस भी जिनको अबव और बिलो द सॉइल लिया जाता है। और उसके अलावा कैपिटल होता है, कैपिटल के अंदर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं जैसे कि प्लांट्स हैं या फिर मशीन वगैरह हैं, और जिनके जरिए जारी बातें प्रोडक्शन की जाती है दूसरे गुड्स की। और लेबर, लेबर के अंदर जो है वो मेन पावर होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद है फिर एंटरप्रेन्योरशिप, इससे मुराद क्या होता है, इसके अंदर शामिल होती है मैनेजेरियल एबिलिटीज जो कि एक शख्स लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ द स्केयर्सिटी, स्केयर्सिटी का मतलब नहीं होता कि एक चीज़ जो है वो बिल्कुल रेयर होती है, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो है वो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। सो उसके बाद है फिर रेशनिंग, रेशनिंग का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है डिमांड और सप्लाई को कमोडिटीज़ की। सो लिमिट कर दिया जाता है सप्लाई को या फिर अमाउंट को कुछ इकोनॉमिक फैक्टर का जो कि स्केयर्सली अवेलेबल होते हैं। नाउ द इकोनॉमिक सिस्टम, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहला है डिक्टेटरशिप, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर डिसीजन जो है वो डिक्टेटर लेता है। डिक्टेटर कोई एक शख्स भी हो सकता है या फिर सिलेक्टेड लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद है प्लान या कमांड इकोनॉमी, इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है और कंट्रोल करती है तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी को ताकि मैक्सिमाइज कर सके सोशल वेलफेयर। उसके बाद पे फ्री मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके अंदर क्या होता है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि कैपिटल गुड्स है, लेबर है, नेचुरल रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन तमाम को कंट्रोल और रेगुलेट करती है प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट बिजनेसेस करते हैं कंट्रोल, कंट्रोल भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। उसके बाद है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेस्ड करता है इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक रूल्स के ऊपर, और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि ज़कात कंपलसरी है और इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि विरासत की तकसीम का कानून है, और इंटरेस्ट जो है वो टोटली फॉरबिडन है क्योंकि इसकी वजह से जो है वो दौलत एक जगह जमा हो जाती है। तो जितनी भी चीज़ें जिनके जरिए दौलत एक जगह जमा हो जाए वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में अलाउड नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें इस्लामिक रूल्स के अंदर अलाउ हैं वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अलाउ हैं, और जो इस्लामिक रूल के मुताबिक अलाउ नहीं है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अलाउ नहीं होती। सो पाकिस्तान इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ऑन करती है और कंट्रोल करती है, और कुछ को इंडिविजुअल फर्म्स यानी कि प्राइवेट फर्म्स जो है। सो कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में और कुछ जो है वो प्राइवेट फर्म्स के हाथों में। नाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम, सो सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है वो शो करता है किस तरीके से पैसा जो है वो मूव करता है सोसाइटी में। पैसा किस तरीके से प्रोड्यूसर के हाथों से वर्कर के हाथों में जाता है वेजेस की फॉर्म में, और दोबारा प्रोड्यूसर के हाथों में आ जाता है
पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, यानी कि जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उससे दोबारा उनके हाथों में पैसा आ जाता है। उसके बाद है फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के दरमियान डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ऐसी ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा जो है स्टडी किया जा रहा होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स नहीं। इसके अंदर स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म के बिहेवियर को, और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो होता है मार्केट प्राइसेस, इंडस्ट्रीज डिमांड एंड सप्लाई। सो माइक्रो इकोनॉमिक एक तरह का इकोनॉमिक ट्री है, इनके सिर्फ एक ये दरख्त है बस। और मैक्रो इकोनॉमिक की बात की जाए तो इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी स्टडी की जाती है, और जाहिर बात है तो इसके अंदर स्टडी किया जाता है बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को पूरी की पूरी इकोनॉमी का। इसके अंदर टॉपिक होते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई और बिजनेस साइकिल वगैरह। सो माइक्रो इकोनॉमिक आपको बताया गया था कि वो एक ट्री है, इकोनॉमिक ट्री है, और मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट है। तो ये हुआ लेसन नंबर वन कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर टू जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। इसके अंदर इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो कंटिन्यू है। सो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस क्या है, जो कि बेस करती है प्योर रीजन के ऊपर, और इसमें किसी भी किस्म का ख्वाहिश के सामने या जज्बात के सामने झुकाव नहीं होता। सो उसके बाद है फिर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है प्रोड्यूस करना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट को। और उसके बाद है फिर इक्विटी इन इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हर चीज़ को फेयरली और इक्वली ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद है फिर नेपोटिज्म। नेपोटिज्म में क्या होता है कि अनफेयर फेवर दिया जाता है अपने करीबी को, जब एक शख्स पावर में होता है, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है, एक शख्स पावर में आ जाए तो वो अपने करीबी लोगों को जाहिर बात है अनफेयर फेवर दे रहा होता है जिसके वो हकदार भी नहीं होते। सो अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स को अनफेयर फेवर देना, ये जो है नेपोटिज्म के अंदर आ जाता है। उसके बाद फिर रैशनल चॉइस, जो कि पहले भी आ चुका है कि बेस करती है प्योर रीजन में और किसी भी किस्म का जज्बाती या ख्वाहिश के सामने झुकाव नहीं होता। उसके बाद है बार्टर ट्रेड, ऐसी ट्रेड है जिसमें पैसा इस्तेमाल नहीं होता, बगैर पैसे के जो वो ट्रेडिंग होती है, यानी कि सामान के बदले सामान की, और ये तब होती थी जब करेंसी ईजाद नहीं हुई थी। सो कंज्यूमर किस तरीके से डिसाइड करता है ऑप्टिमल चॉइस के बारे में, वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस का इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो बेनिफिट को मैक्सिमाइज करता है कॉस्ट के मुकाबले में। आपके सामने एक एग्जांपल दिखाई जा रही है, एक शख्स के पास दो ऑप्शन हैं जॉब के, जॉब ए और जॉब बी। जॉब की ए की सैलरी ज़्यादा है, सॉरी सैलरी कम है, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम है। सो जो नेट बेनिफिट आया वो 14,000 आया, जबकि जॉब बी की सैलरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। सो उसका जो नेट बेनिफिट आया वो 13,000 आया। तो नेट बेनिफिट को सामने रखते हुए जॉब ए जो है जाहिर बात है रैशनल चॉइस है जॉब बी के मुकाबले में। सो किस तरीके से प्रोड्यूसर डिसाइड करता है ऑप्टिमल चॉइस के बारे में, तो सपोज करें कि एक फर्म जो है वो नई प्रोडक्शन लाइन लगाना चाहती है कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो रैशनल डिसीजन के अंदर कॉस्ट और बेनिफिट देखी जाएगी कार प्रोडक्शन की। कॉस्ट के अंदर जो है वो एडिशनल लेबर, एडिशनल रॉ मटेरियल और एडिशनल पार्ट और एडिशनल कंपोनेंट जिनको खरीदा जाएगा वो तमाम एडिशनल कॉस्ट में आएगा, और एडिशनल बेनिफिट के अंदर, सॉरी बेनिफिट के अंदर आ जाएगा एडिशनल रेवेन्यू जो कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कार को सेल करने से मिलेगा। सो अगर एडिशनल रेवेन्यू फर्म को ज़्यादा मिलता है एडिशनल कॉस्ट के मुकाबले में, जो एडिशनल लेबर वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो फिर जो है वो प्रॉफिटेबल होगा इन्वेस्ट करना। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि जिसके अंदर कोई पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन जाहिर बात है वो भी एक तरह की कॉस्ट होती है। चूज़ किया जाता है बिटवीन, चूजिंग बिटवीन चॉइस, एक अल्टरनेटिव को दूसरे अल्टरनेटिव के ऊपर चूज़ करना। सो जैसे कि अगर आप अभी जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं, लेसन देख रहे हैं, इसकी जगह आप खेल भी सकते थे, आराम भी कर सकते थे, लेकिन तो वैसे तो आपने देखा जाए तो कोई पे नहीं किया इन लेसन्स को देखने के लिए, आपने कोई फीस नहीं दी, लेकिन आप जो है वो फिर भी कॉस्ट पे कर रहे हैं, और वो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप कोई और काम भी कर सकते थे। उसके बाद फिर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ये जो है वो इजाफी कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट के ऊपर, इजाफी कॉस्ट, और ये तब आती है जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स और सर्विस का। तो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से गुड्स या सर्विस के जो भी इजाफी कॉस्ट आए टोटल कॉस्ट के अंदर, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और मार्जिनल बेनिफिट क्या होते हैं, इंक्रीमेंट टू टोटल बेनिफिट, यानी कि इजाफी जो बेनिफिट आता है कंज्यूम करने से एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स या सर्विस को, एक एडिशनल जो है गुड्स या सर्विस का यूनिट जब कंज्यूम किया जाता है तो उससे जो इजाफी बेनिफिट मिलता है उसको जो है हम मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो है रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को।
और ये इस चीज़ को बताता है कि जो गिवन रिसोर्सेस दिए गए हैं, जितने रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस से अगर एक चीज़ ये ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएगी तो दूसरी चीज़ कम प्रोड्यूस की जाएगी, इसी चीज़ को ये जो है दिखाता है। और यहाँ पर यही चीज़ दिखाई जा रही है कि राइस बैग्स हैं और कॉटन बुशल्स हैं। अगर राइस बैग कम प्रोड्यूस होंगे तो कॉटन बुशल्स ज़्यादा होंगे, और अगर कॉटन बुशल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो राइस बैग कम होंगे, इसी चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है। और तीसरे कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं, जो तीसरा नंबर्स का जो कॉलम है उसके अंदर दिखाया जा रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। सो इसी चीज को ग्राफ के जरिए दिखाया जा रहा है कि एक चीज अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो दूसरी चीज कम होगी। और यहाँ पर ए और बी पॉइंट भी है। ए जो पॉइंट है ये इनएफिशिएंट पॉइंट है। ए पॉइंट के ऊपर अगर प्रोडक्शन हो रही है, ग्राफ बन रहा है, सो इनएफिशिएंसी है, यानी कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और बी जो पॉइंट है ये इम्पॉसिबल पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता जितने रिसोर्सेज गिवन है उनके साथ। अगर बी तक पहुँचना है तो फिर रिसोर्सेज के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा करना होगा। सो आखिर में है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि टोटल आउटपुट जो होता है कंट्री का उसके अंदर इजाफा हो जाए ओवर टाइम, यानी कि पिछले साल जितना आउटपुट था उससे ज़्यादा इस साल आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम कहेंगे कि इकोनॉमी ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल अगर 1000 यूनिट बने थे गाड़ियों के, इस साल अगर 1200 यूनिट बन जाते हैं तो समझ लो कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ हुई है, ग्रो हुई है इकोनॉमी। तो ये हुआ लेसन नंबर 2 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 3 जिसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सो गुड मार्केट्स एंड फैक्टर मार्केट्स। सो गुड्स मार्केट क्या होती है, जहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है फाइनल गुड्स या सर्विसेज को, और फैक्टर मार्केट वो होती है जहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है सर्विसेज को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि फैक्टर मार्केट के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विसेज होती हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद है फिर अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन का मतलब होता है बिलीव होना या फीलिंग होना कि कोई चीज़ ट्रू है या फिर कोई चीज़ जो है वो हो सकती है, ऑल दो के उसका कोई प्रूफ ना हो। एक ऐसी चीज़ जिसको बगैर किसी सबूत के सच्चा या यकीनी तौर पर कबूल किया जाता है, ये जो है अजम्पशन है। और इकोनॉमिस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ करते हैं अजम्पशंस का। आप आगे आप देखेंगे कई सारे आपको अजम्पशंस जो है वो दिखाई देंगे। उसके बाद है फिर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से मुराद एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत सारे फर्म और कंज्यूमर होते हैं और कोई भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस को जो है वो अफेक्ट कर सके। उसके बाद है फिर डिमांड एनालिसिस शॉर्टेज। शॉर्टेज में क्या होता है कि डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, और सरप्लस इसका उलट होता है जहाँ पर सप्लाई एक्सेस कर जाती है। उसके बाद है फिर प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? वो सिस्टम जहाँ पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करती हैं कमोडिटी की प्राइसेस को। उसके बाद फिर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ऊपर जाती है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम जो है वो ऊपर जाती है। और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो नीचे आती है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम जो है वो ऊपर जाती है। और गिफिन गुड जो है वो इन्फेरियर गुड की सब कैटेगरी होती है, और ये प्राइस मैकेनिज्म को ब्रेक कर देता है। सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ गिफिन गुड इंक्रीजेस। उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? लोग जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जब एक प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इजाफा हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर जब इजाफा हो जाता है तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल कर देते हैं करते हैं इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद है फिर इनकम इफेक्ट। जब इनकम इंक्रीज होती है, सो इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है एक गुड की, उसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। उसके बाद है फिर प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है कि जब प्राइस के अंदर इजाफा होता है डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, और प्राइस इफेक्ट जो है वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट। असल में सब्स्टिट्यूट कहते किसको हैं? सब्स्टिट्यूट से मुराद वो गुड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल इनको किया जा सकता है। जैसे कि बटर एंड मार्जरीन, पाकिस्तान में लोग ब्लूबेरी का इस्तेमाल करते हैं, वो मार्जरीन है जिसको लोग बटर समझ रहे होते हैं। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट वो गुड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिनको, जैसे कि ब्रेड एंड बटर है और फोन एंड हेडफोन है, तो ये तमाम चीज़ें कॉम्प्लीमेंट में आती हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हो। इसी तरह शू एंड
शू के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, मोजो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। उसके बाद है फिर डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड मीन्स, डिमांड का मतलब क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर विलिंग और एबल टू बाय करता है वेरियस प्राइस के ऊपर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। सो ये वो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है, इससे मुराद जो है वो क्वांटिटी होती है गुड की जो कि बायर विश टू परचेज एट ईच कंसीवेबल प्राइस यानी कि एक्सेप्टेबल प्राइस। और लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अगर तमाम फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट हैं तो जब कभी भी प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो जो डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांड होती है, वो जो है गिर जाती है। और आपके सामने एक टेबल दिखाया जा रहा है जिसके अंदर बहुत से कॉम्बिनेशंस दिखाए जा रहे हैं क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के। इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। और इसी चीज़ को ग्राफ के जरिए भी दिखाया जा रहा है, प्राइस एक तरफ और एक तरफ क्वांटिटी डिमांड है। जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है सो क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और जब भी कभी इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ होता है तो वो नीचे जाता है। सो डिमांड फंक्शन है जो कि एक इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड की। सो उसका फार्मूला है क्यू डी विच इज दी क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी जी टी पी एस आई टू पी एस एन पी सी आई टू पी सी एम वाई बी पी जी ई टी प्लस वन। सो पी जी जो है वो प्राइस ऑफ द गुड है, टी जो है वो टेस्ट है, पी सी आई टू पी एस एन जो है वो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स है, पी सी आई टू पी एस पी सी एम जो है वो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वाई इनकम है, बी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, पी जी ई टी प्लस वन जो है वो फ्यूचर प्राइजेस है। सो शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व। अब पीछे आपको दिखाया गया था कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं अगर उनमें फ़र्क आता है तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। और यहीं पे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको दिखाए जा रहे हैं जैसे कि इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम में इजाफा होता है तो क्या होता है कि डिमांड जो है बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट कर जाता है और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो इंक्रीज होता है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो भी इंक्रीज होता है। और अगर इनकम घट जाती है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो इफेक्ट आया वो डिक्रीज हुआ और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर जो इफेक्ट आया वो भी डिक्रीज हो गया। और इसी तरह से कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप रीड कर लें तो आपके लिए बेटर होगा और ज़्यादा इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। और उसके बाद है फिर मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड कर्व जो है इसको जो है वो बनाया जाता है इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के डिमांड कर्व्स को आपस में मिला के। बहुत सारे जो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के जो डिमांड कर्व्स होते हैं बहुत सारे, जब उनको आपस में मिलाया जाता है और उससे जो कर्व हासिल होता है तो वो जो है मार्केट डिमांड कर्व होता है। और ये जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट डिमांड का। तो ये हुआ लेसन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 4 जिसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सो सप्लाई, सप्लाई है क्या? सप्लाई जो है क्वांटिटी होती है गुड की जो सेलर सेल करने की ख्वाहिश करता है एट ईच कंसीवेबल प्राइस इनके हर एक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर। सो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ऊपर जाएगी जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है ज़्यादा प्राइस का मतलब होता है ज़्यादा प्रॉफिट। सो फर्म जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो आप देख सकते हैं सप्लाई स्केड्यूल के अंदर यही चीज़ दिखाई जा रही है, जैसे जैसे प्राइस जो है वो गिरता जा रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई गिर रही है, इनकी जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी और जब गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाई गिरेगी। और इसी चीज़ को सप्लाई कर्व से भी दिखाया जा रहा है, एक तरफ प्राइस है और एक तरफ क्वांटिटी सप्लाईड है। सो कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। सो सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन जो इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई की। सो इसके मुताबिक क्वांटिटी सप्लाई जो फंक्शन है पी जी का, सी जी का, ए वन टू ए एन का, जे वन टू जे एम का, आर ए का, पी जी ई टी प्लस वन का। सो क्यू एस जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड है, पी जी जो है वो प्राइस ऑफ द गुड्स है, और ए वन टू ए एन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स है, और जे वन टू जे एम जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट गुड्स ज्वाइंटली सप्लाइड है, और आर जो है वो रैंडम एंड अदर सॉरी नेचर एंड अदर रैंडम शॉक है, और ए जो है वो एम्स ऑफ प्रोड्यूसर है, और पी जी ई जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गुड है, और टी वन जो है वो सम फ्यूचर टाइम। सो उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई।
सो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन तब होती है जब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जो चेंज आ रहा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज में, वो चेंज इन डिमांड की वजह से है या फिर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई दोनों की वजह से है। तो कुछ डिटरमिनेंट्स हैं सप्लाई के। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है तो अमाउंट ऑफ सप्लाई में भी चेंज आता है। और उसके बाद है दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट्स हैं सप्लाई में वो। और उसके बाद है फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन ज्वाइंट सप्लाई। अब ज्वाइंट सप्लाई से मुराद ये होता है कि एक चीज़ की जब सप्लाई बढ़ाई जाती है तो दूसरी चीज़ की भी सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल की सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो डीजल की भी बढ़ जाएगी। तो ये जो दोनों चीज़ें ये ज्वाइंट सप्लाई के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है नेचर एंड अदर रैंडम शॉक। नेचर का मतलब ये है कि यानी कि प्रॉब्लम नेचर की वजह से जो होती है वो नेचर शॉक के अंदर आ जाता है। और रैंडम शॉक से मुराद होता है कोई भी रैंडम शॉक आ जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस जो एक रैंडम शॉक था। और उसके बाद है फिर एम्स ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर के जो मकासद हैं वो भी जाहिर बात है डिटर्मिनेंट है सप्लाई का, और प्रोड्यूसर के एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। नाउ द डिटर्मिनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बटर, सप्लाई ऑफ बटर। अब इन डिटर्मिनेंट्स को अगर हम बटर की सप्लाई के मुताबिक देखें तो अगर कमी आती है बटर की कॉस्ट में तो सप्लाई इंक्रीज है, और अगर चीज़ या क्रीम जो है वो लेस प्रॉफिटेबल देन बटर है सो सप्लाई वुड बी मोर। और अगर इंक्रीज इजाफा होता है स्किम मिल्क की प्रॉफिटेबिलिटी में तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और अगर वेदर कंडीशन फेवरेबल है तो सप्लाई इंक्रीज। और अगर ऐसा कुछ है कि प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा स्टोर कर लेगा अंटिल प्राइस राइज, जब तक प्राइस जो है बढ़ते हैं तब तक के लिए वो स्टोर कर लेगा। उसके बाद है फिर फैक्टर्स जो कि शिफ्ट कर देते हैं सप्लाई कर्व को। अब आपको पीछे बताया गया था कि प्राइस के अंदर बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनसे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। पहला फैक्टर है इंक्रीज इन रिसोर्स प्राइस। रिसोर्स प्राइस के अंदर अगर इजाफा हो गया तो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आया डिक्रीज, सप्लाई में कमी आ गई और सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड, और इफेक्ट जो आया इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर डिक्रीज इन रिसोर्स प्राइस में कमी आती है तो इफेक्ट क्या होगा सप्लाई के ऊपर इजाफा होगा और सप्लाई जो कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और इफेक्ट जो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे वो डिक्रीज होगा, और इफेक्ट जो होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में उसमें इजाफा होगा। और इसी तरह से और भी फैक्टर्स का नीचे दिए गए जिनको आप पढ़ लें तो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद है फिर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम से मुराद वो स्टेट होती है, ऐसी हालत होती है जहाँ पर कोई भी शॉर्टेज या सरप्लस नहीं होता, यानी कि क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है। इसमें क्या होता है एक तवाजुन होता है। यही चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है, क्वांटिटी डिमांड का कर्व जा रहा है एक तरफ नीचे की तरफ और क्वांटिटी सप्लाई का कर्व जा रहा है ऊपर की तरफ। तो जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई के कर्व आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे को, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके मुताबिक सपोज अगर हमें जो है वो फॉलोइंग जो है वो हमें जो है वो फॉलोइंग डिमांड और सप्लाई फंक्शन जो है वो हमारे पास है, यानी कि क्यूडी जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो वो है 100 - 10p और क्वांटिटी सप्लाई है 40 + 20p। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है क्वांटिटी डिमांड क्यूडी जो है वो बराबर होता है क्वांटिटी सप्लाई के। देयर फॉर क्यूडी की जगह पे हम लिख देंगे 100 - 10p और क्यूएस की जगह पे हम लिख देंगे 40 + 20p। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो पी आ रहा है वो आ जाएगा 2, और फिर आगे जो ये 2 आया इसको हम पुट कर सकते हैं किसी भी डिमांड या सप्लाई की इक्वेशन में। तो इसको पुट किया जा रहा है 100 - 10p पे जो कि QD की इक्वेशन है। उसमें जब पुट किया गया तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो 80 आ रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो 2 है जो कि पीछे आया था, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 80 है। तो ये हुआ लेसन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 5 जिसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस कंटिन्यू। तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर सकता है अगर डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाए, या दोनों शिफ्ट कर जाए। और उसकी 8 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है डिमांड कर्व राइट शिफ्ट करता है और सप्लाई कर्व जो है उसके आगे है डेल्टा, यानी कि वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई भी शिफ्ट नहीं आया। इसमें प्राइस भी ऊपर जाएगा क्वांटिटी भी, और डिमांड कर्व अगर शिफ्ट नहीं कर रहा है सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट करता है तो प्राइस नीचे क्वांटिटी ऊपर, और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों राइट शिफ्ट करें तो प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कि कितना चेंज आया और क्वांटिटी जो है वो ऊपर जाएगी, और अगर डिमांड लेफ्ट और सप्लाई में नो चेंज तो फिर प्राइस नीचे और क्वांटिटी भी नीचे, और अगर डिमांड जो है वो सेम और सप्लाई जो है वो राइट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट तो फिर प्राइस ऊपर और क्वांटिटी नीचे, और अगर डिमांड राइट
और सप्लाई लेफ्ट है तो फिर प्राइस ऊपर और क्वांटिटी डिपेंड करता है, और अगर डिमांड लेफ्ट सप्लाई राइट तो प्राइस नीचे और क्वांटिटी डिपेंड करता है, और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों लेफ्ट हैं तो प्राइस डिपेंड करता है और क्वांटिटी नीचे। सो इन आठ पॉसिबिलिटीज में से कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, वो ये कि जब वेन एवर द डिमांड कर्व शिफ्ट, जब डिमांड कर्व शिफ्ट करता है तो न्यू इक्विलिब्रियम जो ऑप्टेन होता है बाय मूविंग अलोंग द सप्लाई कर्व, क्योंकि जब डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है तो सप्लाई कर्व अपनी जगह पे रहता है, और जब सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है तो न्यू इक्विलिब्रियम ऑप्टेन होता है बाय मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहा है तो जारी बात है डिमांड कर्व अपनी जगह पे रहता है, और जब दोनों शिफ्ट करते हैं सप्लाई और डिमांड कर्व, सो वी विल फर्स्ट मूव ऑन द डिमांड कर्व एंड देन अलोंग द सप्लाई कर्व। नाउ द मार्केट फॉर बटर, सो व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस को और क्वांटिटी को बटर बटर की इनमें से कोई एक केस अगर होता है। सो अगर इजाफा होता है प्राइस ऑफ मार्जरीन, मार्जरीन की प्राइस में तो डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट और सप्लाई जो है वो लेफ्ट शिफ्ट, और अगर इजाफा होता है डिमांड फॉर मिल्क, मिल्क के डिमांड के लिए तो सप्लाई जो है वो राइट शिफ्ट और डिमांड लेफ्ट शिफ्ट, और अगर इजाफा होता है प्राइस ऑफ ब्रेड सो डिमांड जो है लेफ्ट शिफ्ट, और अगर इजाफा होता है डिमांड ऑफ ब्रेड सो डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट, और एक्सपेक्टेड राइज है प्राइस ऑफ बटर में नियर फ्यूचर सो सप्लाई जो है वो लेफ्ट शिफ्ट और डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट, और टैक्स अगर होता है बटर प्रोडक्शन पे सो सप्लाई जो है वो लेफ्ट शिफ्ट, और अगर एक नया इन्वेंशन होता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है ऐसे प्रोसेस का जिसके जरिए रिमूव कर दिया जाता है बटर से कोलेस्ट्रॉल को, और साथ में लॉ भी पास कर दिया जाता है कि तमाम प्रोड्यूसर ने उसको लाजमी इस्तेमाल करना है, तो उसमें डिमांड जो है वो राइट शिफ्ट कर जाएगी और सप्लाई जो है वो लेफ्ट शिफ्ट। सो गवर्नमेंट्स रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, असर डाल सकती है इक्विलिब्रियम के ऊपर दो फंडामेंटल तरीकों से। गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकती है मार्केट के अंदर और मैंडेट कर सकती है मैक्सिमम प्राइस को भी और मिनिमम प्राइस को भी। सो प्राइस सीलिंग है, प्राइस सीलिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम लिमिट लगा देती है कि इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करना, और ऐसा ज़्यादातर मेडिसिन के अंदर होता है। तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है पीसी की लाइन, आप देख रहे हैं, अब पीसी की लाइन से नीचे प्राइस जितना भी चार्ज होगा वो लीगल है, और इससे ऊपर जितना भी जाएगा वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा, और इसी की डिटेल दी गई है, जिसको आप रीड करना चाहें तो डिटेल के लिए रीड कर सकते हैं। और प्राइस फ्लोर है, प्राइस फ्लोर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो जाहिर बात है एक मिनिमम प्राइस जो है वो सेट कर देती है, और ऐसा जो है जाहिर बात है ज्यादातौर पे वेजेस के अंदर होता है कि इससे मिनिमम वेजेस नहीं जानी चाहिए। सो प्राइस फ्लोर की आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है प्राइस फ्लोर की सब कर्व के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, सो ये जो लाइन है, अब इस लाइन से अगर नीचे जाएगा प्राइस फ्लोर से अगर कोई नीचे जारी बातें जाएगी वेज, तो वो इलीगल कंसिडर की जाएगी, और इससे ऊपर जितनी भी वेज होगी तो वो लीगल कंसिडर की जाएगी। तो प्राइस फ्लोर के अंदर मिनिमम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट सेट कर देती है, और इसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है। सो रेशनिंग एंड सप्लाई शॉक अल्टरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस बाय दी गवर्नमेंट, सो दो तरीके हैं इसके, थ्रू टैक्स, टैक्स के जरिए, या फिर सब्सिडी के जरिए। सो टैक्स जो है जारी बात है वो चीज़ है जो प्रोड्यूसर को पे करना पड़ता है, और टैक्स की वजह से सप्लाई प्राइस के अंदर इजाफा होता है, सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, उल्टी तरफ शिफ्ट हो जाता है, प्राइस में इजाफा होता है, क्वांटिटी के अंदर कमी आती है, और सब्सिडी जो है प्रोड्यूसर को दी जाती है जिससे सप्लाई प्राइस के अंदर कमी आती है, सप्लाई कर्व सीधी तरफ शिफ्ट होता है, प्राइसेस के अंदर कमी आती है, क्वांटिटी के अंदर इजाफा हो जाता है। नाउ दी सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट क्या होती है, सोशल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी, ये जो एक कॉस्ट होती है इकोनॉमिक डिसीजन की, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी बर्दाश्त करती है। और उसके बाद है मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सोशल कॉस्ट के अंदर चेंज आ जाता है, और वो जो चेंज आता है वो यूनिट चेंज इन आउटपुट की वजह से आ जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 6 जिसका टाइटल है इलास्टिसिटीज, सो इम्पोर्टेंस है इलास्टिसिटी की हमारी आज की जिंदगी के अंदर। सो फर्म जो कि एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती है प्राइस को चेंज करने के लिए, वो यूज़ करती हैं कॉन्सेप्ट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और ज़्यादातर फर्म जो है वो सेट करती हैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सामने रखते हुए, और गवर्नमेंट जो कि
कलेक्ट करती है अपना रेवेन्यू टैक्स के जरिए, तो सारी बात है गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो वो उन प्रोडक्ट के ऊपर लगाती है, या तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है या फिर सप्लाई इनइलास्टिक है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बर्डन डालना चाहती है कंज्यूमर के ऊपर, तो वो चूज करती है प्रोडक्ट जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। और अगर गवर्नमेंट पेनलाइज करना चाहती है प्रोड्यूसर को, तो उसको लाजमी चूज करना होती है प्रोडक्ट जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो। सो इलास्टिसिटी है क्या? सो इलास्टिसिटी को लिटरली तौर पे कहा जाता है, लिटरली मीनिंग अगर हम लें तो वो है लचक। सो इलास्टिसिटी क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंजेस इन अनदर, यानी कि किस हद तक एक वेरिएबल में चेंज आता है जब दूसरे के अंदर चेंज आ रहा है। सो एक वेरिएबल में चेंज आता है जब दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज आता है, और किस हद तक आता है? सो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, सो चार टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में, और वो चेंज इस वजह से होता है कि परसेंटेज चेंज आता है प्राइस में। सो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और फिर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई के अंदर परसेंटेज चेंज आना, और वो चेंज इस वजह से आता है कि परसेंटेज चेंज आता है प्राइस के अंदर। सो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो उसके बाद फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये जो है रिलेशनशिप, इसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप पता चलता है कंज्यूमर की इनकम के दरमियान और डिमांड के दरमियान एक सर्टेन गुड की। सो परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी डिमांड के अंदर, और वो चेंज इस वजह से आता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसके अंदर चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज आ रहा है। सो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। उसके बाद है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या होता है कि परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर एक गुड की, और वो इस वजह से चेंज आता है कि प्राइस जो है दूसरे गुड की उसके अंदर जो है वो परसेंटेज चेंज आता है, यानी कि एक गुड की क्वांटिटी डिमांड के अंदर परसेंटेज चेंज आ रहा है, और वो इस वजह से चेंज आ रहा है कि दूसरा गुड जो है उसकी प्राइस के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। सो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर गुड बी। सो अब परसेंटेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्यों डायरेक्टली भी तो लिखा जा सकता था कि इतना चेंज आ रहा है। सो पहली चीज़ तो ये इस वजह से आता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंपैरिजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस को मेजर किया जाता है रुपीस में, क्वांटिटीज को किया जाता है मेजर यूनिट्स में। तो इस तरह का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों को कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, जबकि परसेंटेज में कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इससे हमें इस बात से बचने में मदद मिलती है कि यूनिट्स के किस साइज को तब्दील करना है। और तीसरा ये कि हमें पता चलता है कि कितना बड़ा चेंज आ रहा है। अब 2 से 4 रुपये का फर्क आया, 2 रुपये से 4 रुपये आया, तो जाहिर बात है ये बहुत कम फर्क लग रहा है हमें, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से 100% चेंज आ रहा है। सो इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? सो इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि लचक है, यानी कि सो ज़्यादा चेंज आता है डिमांड में एज़ कम्पेयर टू प्राइस, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो वो इलास्टिक डिमांड है। और इन इलास्टिक डिमांड क्या है? डिमांड में कम चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। सो यही चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है, इलास्टिक डिमांड है, डिमांड में फ़र्क ज़्यादा आ रहा है। आप देख रहे हैं प्राइस P1 से P2 बहुत कम फर्क है, लेकिन क्वांटिटी के अंदर Q1 टू Q2 बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इन इलास्टिक देखें तो जाहिर बात है P1 टू P2 प्राइस बहुत बड़ा फर्क है, जबकि Q1 टू Q2 क्वांटिटी जो है वो बहुत कम फर्क है। सो टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी क्या है? टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू गिरता है, इलास्टिक डिमांड में टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा जब कभी भी प्राइस बढ़ेगी। और इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ जाता है अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। और ये बेसिक जो ज़रूरियात वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे होता है, बेसिक ज़रूरियात की ऐसी चीज़ें जो लोगों ने लाजमी ख़रीदनी होती हैं, चाहे उसकी प्राइस भी बढ़े तब भी लोग लाजमी ख़रीदते हैं, और इसी चीज़ का हमारे मुल्क में नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। सो दो फर्म्स की एग्जाम्पल दी जा रही है, इन इलास्टिक डिमांड कर्व है एक फर्म का। सो आपके सामने ये कर्व मौजूद है जिसके अंदर प्राइस जो है वो 10 से 6 होती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 90 से 100 होती है। तो ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व है, और इसको जब इसकी जो फिगर्स है इनको पुट किया गया फार्मूले के ऊपर, तो आंसर आ रहा है -0.15। सो इलास्टिसिटी 1 से कम है, तो इसका मतलब ये कि 1 से कम होने के बजाय ये इन इलास्टिक है। जब कभी भी फिगर 1 से कम आएगी तो उसका मतलब है कि वो इन इलास्टिक है। माइनस को आप इग्नोर करते हैं, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता।
माइनस दूसरी चीज के लिए होता है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। सो इलास्टिक डिमांड कर्व, अब दूसरी फर्म की एग्जाम्पल दी है जिसका इलास्टिक डिमांड कर्व है। सो 7 to 6 प्राइस के अंदर फर्क आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में 4200 आया। सो जब इसको कैलकुलेट किया गया, फिगर्स को पुट किया गया फार्मूले में, तो -3.6, तो 3.6, अब 3.6 एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब है डिमांड कर्व है वो इलास्टिक है। सो इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान भी कैलकुलेट की जा सकती है इलास्टिसिटी। तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है के और एल, ये दोनों पॉइंट है और इलास्टिक डिमांड कर्व है। सो यहाँ पर पॉइंट के टू एल जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट की गई है, और वो जो है जब फार्मूले में पुट किया गया तो आंसर आया -4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये इलास्टिक है। सो यानी कि जब एक से ज़्यादा आ जाए फिगर, तो इसका मतलब होता है इलास्टिक। सो नाउ द आर्क इलास्टिसिटी, अब आर्क इलास्टिसिटी क्या है? आर्क इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही कर्व के ऊपर, और उसके बाद है पॉइंट इलास्टिसिटी। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब चेंज जो है प्राइस में बहुत ही छोटा होता है। सो आपके सामने फार्मूला है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय दी पी डिवाइडेड बाय क्यू, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है डी क्यू डिवाइडेड बाय डी पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू, और डी जो है वो क्या है, इनडेफिनेटली इन स्मॉल चेंज इन प्राइस। उसके बाद है फिर पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन। सो क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन आपके सामने है जो कि है क्यू डी इज इक्वल टू 60 + 15 पी प्लस पी स्क्वायर। सो अज्यूम करेंगे डिफरेंट जो है वो वैल्यूज हैं प्राइस की 0 से 10 तक, और इनको पुट किया जाएगा इक्वेशन में ताकि फाइंड आउट किया जा सके क्वांटिटी डिमांड को। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे 0 से लेकर 3 तक हम प्राइस को लेंगे। सो प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने 0 से लेकर 3 तक मौजूद है, और जब उसको पुट किया गया क्यू डी के अंदर 60 60 प्लस -15 पी प्लस पी स्क्वायर। सो पहले आया 60, फिर 46, फिर 34, फिर 24। सो हम उसको पुट करेंगे और हमारे सामने जो है वो ग्राफ यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। प्राइस जो है वो 0 से शुरू होती है और फिर वो 0, 1, 2, 3, और फिर उसको पुट करने पे हमारे सामने डिफरेंट जो है वो जारी बात है क्यू डी आता जाएगा। पहले क्यू डी आया 60, फिर 46, 34 एंड डी 24। तो ये हुआ लेसन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 7 जिसका टाइटल है इलास्टिसिटीज कंटिन्यूड। सो इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड जो होती है वो लेस देन 1 होती है, यानी कि वैल्यू जो आएगी इन इलास्टिक डिमांड की वो 0 और 1 के दरमियान होती है। तो इसमें अगर प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो माइनर डिक्रीज आता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो है वो इसमें इजाफा होगा अगर प्राइस के अंदर इजाफा होगा, और अगर प्राइस गिरेगा तो टोटल रेवेन्यू भी जो है वो गिर जाएगा। और अगर इलास्टिक डिमांड की बात की जाए तो ये ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी। सो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। सो अगर प्राइस के अंदर इजाफा होगा तो टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा, और अगर प्राइस के अंदर कमी आएगी तो टोटल रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक जो कि 1 के बराबर होती है, इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्राइस में इजाफा होगा उतनी जो है वो क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी, और जितना क्वांटिटी जितना ज़्यादा प्राइस गिरेगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होगा। सो इसमें क्या होता है कि चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस घटे जो टोटल रेवेन्यू होता है वो हमेशा जो है वो सेम रहेगा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका टेबल है यूनिटरी इलास्टिसिटी का कि प्राइस जो है वो उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है और जो क्वांटिटी है जारी बात है उसके अंदर कमी आती जा रही है, लेकिन दोनों के अंदर एक जैसी कमी आ रही है, एक जैसा इजाफा हो रहा है, यानी कि दोनों में जब जब एक में इजाफा हो रहा है तो उतना ही दूसरे में कमी आ रही है। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो सेम है, टोटल रेवेन्यू 1000 ही है, टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी में ये होता है। सो जो कर्व होता है यूनिटरी इलास्टिसिटी का वो हाइपरबोला होगा। और उसके बाद है फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, जितने ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, और जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा इनकम का स्पेंड उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, अगर कम जो है वो परसेंटेज स्पेंड किया जाएगा इनकम का तो कम इलास्टिसिटी होगी। और टाइम पीरियड अंडर कंसिड्रेशन, यानी कि डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है लॉन्ग रन में एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन। सो इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिमांड कर्व, एडवर्टाइजिंग के कुछ इफेक्ट्स होते हैं डिमांड कर्व के ऊपर। सो एडवर्टाइजिंग के जरिए जो है डिमांड कर्व का जो स्लोप है उसको चेंज किया जाता है और उसको ज़्यादा इन इलास्टिक बनाया जाता है, और ये जो है ब्रांड लॉयल्टी के जरिए किया जाता है। और डिमांड कर्व को जो है वो राइट पे शिफ्ट किया जाता है एडवर्टाइजिंग के जरिए, लोगों को जो है वो परसुएट किया जाता है कि लोग जो है वो बाय करें। उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है?
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई के अंदर फ़र्क आना, और वो फ़र्क इस वजह से आता है कि प्राइस के अंदर जो है वो फ़र्क आता है, इस वजह से परसेंटेज चेंज आता है प्राइस के अंदर। सो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है तीन कर्व हैं, इन इलास्टिक सप्लाई का, यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक। इन इलास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा उठा हुआ है, सबसे ज़्यादा वर्टिकल जो कर्व है वो इन इलास्टिक है। जब कभी भी जाहिर बात है इन इलास्टिक होती है कोई चीज़, तो उसका जो कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, उठा होता है। उसके बाद फिर यूनिटरी इलास्टिक जो कि एक के बराबर होता है, और फिर है आखिर में इलास्टिक, इलास्टिक का कर्व बैठा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। सो जब इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान सेम कर्व पे, उसमें जो है वो आर्क इलास्टिसिटी का मेथड होता है इस्तेमाल। और जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, उसके अंदर पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, अगर कॉस्ट जो है उसके अंदर इजाफा होगा तो सप्लाई जो है वो लोअर होगी। सो लोअर द कॉस्ट मोर विल बी द सप्लाई। और नाउ द लेसन नंबर 8 जिसका टाइटल है इलास्टिसिटीज। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में, इनकम में चेंज आने की वजह से, इसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनकम। और आपके सामने दो ग्राफ यहाँ मौजूद है, एक है लेस इनकम इलास्टिक जो कि लेस देन वन है, और एक है मोर इनकम इलास्टिक जो कि मोर देन वन है। सो लेस इनकम इलास्टिक जो है वो वर्टिकल है, उठा हुआ है, और मोर इनकम इलास्टिक जो है वो बैठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है। सो जैसे जैसे इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 1000 से 12000 हुआ इनकम, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 100 से 105 हो गई। और जब इसको फार्मूले के अंदर पुट किया गया तो आंसर आया 0.25। अब आंसर जो है वो एक से कम है और पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में आने की वजह से पता चलता है कि गुड जो है वो नॉर्मल है, और एक से कम है, एक से कम होने की वजह से इनकम इन इलास्टिक है। और उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला है किस हद तक गुड ज़रूरी है, दूसरा है गुड से कितने सेटिस्फाई हैं, तीसरा है कंज्यूमर की इनकम कितनी है। नाउ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में क्या होता है कि तमाम फैक्टर्स जो है वो फुली एडजस्ट नहीं हो सकते, जबकि लॉन्ग रन के अंदर तमाम फैक्टर्स जो है वो फुली एडजस्ट हो सकते हैं। आपके सामने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट है, जिसके अंदर जो है वो गुड्स और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो दी गई है, कुछ की पॉजिटिव है, कुछ की नेगेटिव है, और इसको आप रीड कर लीजिएगा अपने हैंडआउट से या फिर इन स्लाइड को डाउनलोड करके। उसके बाद है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है एक गुड की उसके अंदर चेंज आता है, और वो इस वजह से चेंज आता है कि दूसरे गुड की प्राइस के अंदर फर्क आ रहा है। एक गुड की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, और वो इस वजह से चेंज आ रहा है कि दूसरे गुड की प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। सो इसका फार्मूला है चेंज इन क्यू ए क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ए, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे चेंज इन प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी से। तो अब आपके सामने टेबल में यही चीज़ दिखाई जा रही है कि प्राइस ऑफ बी जो है वो 10 से 12 हो गई, तो ए की जो डिमांड थी वो 100 से 140 हो गई। और इसको फार्मूले में जब पुट करेंगे वैल्यूज को तो आंसर 2 आ रहा है। अब 2 से दो चीज़ें सामने आई, एक तो ये कि पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव का मतलब है गुड्स जो है वो सब्सटीट्यूट है, नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो गुड्स जो है वो सब्सटीट्यूट है, और आंसर एक से ज़्यादा आ रहा है तो क्रॉस प्राइस इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है एक से ज़्यादा होने की वजह से। और इसके जो डिटर्मिनेंट्स है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो ये है कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, जितना टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, और टेस्ट प्रेफरेंस जो होता है लोगों का वो जो है चेंज हो सकता है, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है लोगों का। और उसके बाद फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन विच साइड, किस साइड के ऊपर जो है वो टैक्सेशन का इफेक्ट है। जितनी ज़्यादा इन इलास्टिक डिमांड होती है उतना ज़्यादा कंज्यूमर के ऊपर बर्डन होता है, जितनी ज़्यादा इन इलास्टिक डिमांड होती है तो उतना ज़्यादा ही बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर फॉल करता है टैक्स का। अब क्योंकि टैक्स जो है वो या तो बर्डन जाएगा कंज्यूमर के ऊपर या प्रोड्यूसर के ऊपर, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट जिनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है तो कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन आता है। सो उसके बाद है थ्री कोर रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इनके तीन बुनियादी उसूल हैं इलास्टिसिटी के। सो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि दरमियान में एक होता है, अगर एक से ज़्यादा हो तो इलास्टिक होती है, और अगर एक से कम हो तो इन इलास्टिक होती है। और अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करें, पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड, नेगेटिव है तो इनफेरियर गुड,
और क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये हुआ लेसन नंबर 8 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 9 जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। सो स्केयरसिटी एंड रैशनल चॉइस। सो पैसा जो होता है जाहिर बात है स्केयर्स होता है, इनकम जो है वो लिमिटेड होती है और उसको स्पेंड करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो किस तरीके से उसको स्पेंड किया जाए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, इसका आंसर है रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस की मदद से कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस जो है वो किया जाता है। सो नाउ द इग्नोरेंस एंड इरेशनैलिटी। एक शख्स जो है वो रैशनल हो सकता है लेकिन इग्नोरेंट होता है फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक शख्स जो है वो वॉशिंग मशीन खरीदता है और ये दो दुकानों पे जाता है, जहाँ पर एक पर उसको 4000 की मिल रही है, एक पर 3800 की मिल रही है। तो जो 3800 की है वो ख़रीद लेता है और वो रैशनल डिसीजन है, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है। और वो फॉल्ट इस वजह से नहीं आता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, बल्कि इस वजह से आता है कि मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट है। कुछ पीस ऐसे होते हैं जिनमें मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है। तो ये जो फॉल्ट आ रहा है, सारी बातें ये इस वजह से नहीं आया कि डिसीजन गलत था, डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही था, लेकिन सारी बातें फ्यूचर के बारे में हर कोई सारी बातें नहीं जानता और परफेक्ट नॉलेज किसी को भी नहीं होती फ्यूचर के बारे में। सो उसके बाद है फिर कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। सो दो अप्रोचेस है जिनके जरिए एनालाइज किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर को। एक कार्डिनल अप्रोच मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। सो मार्जिनल यूटिलिटी या फिर कार्डिनल अप्रोच, अब इसमें क्या होता है कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर असाइन किए जाते हैं नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन की जाती हैं, इनके नंबर्स असाइन किए जाते हैं। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होती है उसके अंदर नंबर असाइन नहीं किए जाते, बल्कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। सो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन जो कि एक इंडिविजुअल हासिल करता है जब वो कंज्यूम करता है कमोडिटीज़ को, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को जब वो कंज्यूम करता है। और उसके बाद है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एंटायर सेटिस्फेक्शन जो कि एक शख्स हासिल करता है जब वो कंज्यूम करता है गुड्स या सर्विसेज। और उसके बाद है फिर मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो एक कंज्यूमर हासिल करता है जब वो एडिशनल यूनिट खरीदता है गुड्स या सर्विसेज के। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो इस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन के अंदर इजाफा होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है हर एडिशनल यूनिट की उसके अंदर कमी आती रहती है। जैसे कि अगर आप बिस्किट खाते हैं तो जो पहला बिस्किट का यूनिट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरे की उसकी उससे कम है, तीसरे की उससे कम है, एक वक्त आएगा मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो जाएगी और फिर वो माइनस में भी चली जाएगी। तो यहाँ पे बॉटल ऑफ कॉक से आपको समझाया जा रहा है कि जीरो बॉटल ऑफ कॉक है, फिर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो देख सकते हैं आप मार्जिनल यूटिलिटी पहले सेवन है, फिर फोर है, फिर टू है, फिर वन है, फिर जीरो है, फिर वो माइनस में भी जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो पर होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस आती है तो टोटल यूटिलिटी गिर जाती है। सो नाउ द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और इन्हीं दोनों के अब आप कर्व देखते हैं जो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी आपको टेबल में दिखाई गई। टोटल यूटिलिटी जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो से स्टार्ट होते होते मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है और फिर वो गिरना शुरू हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी सारी बात है शुरू में ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है और फिर उसके बाद वो गिरती रहती है, एक वक्त आता है जीरो हो जाती है, फिर वो माइनस में आती है। जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है वहीं पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और वो ए पॉइंट है, और मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस में जाती है टोटल यूटिलिटी गिर जाती है। सो नाउ द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? डिफरेंस है जो कंज्यूमर पे करता है और कंज्यूमर पे करना चाहता है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। यानी जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा जो कंज्यूमर पे करना चाह रहा है और पे कर सकता है उतना ही कंज्यूमर सरप्लस होगा। और तीन पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो कंज्यूमर कंज्यूम करता है एडिशनल यूनिट जो है कमोडिटी के, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर हो जाती है प्राइस के, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज करेगा कंजम्पशन, और कंजम्पशन इंक्रीज करने से मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है तो कंज्यूमर जो है वो डिक्रीज करेगा कंजम्पशन को, कंजम्पशन डिक्रीज करने से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी और वो प्राइस के बराबर होगी। सो नाउ द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। अब इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल तब यूज़ होता है जब एक कंज्यूमर एक पर्सन जो है वो कई सारी कमोडिटीज़ जो है वो कंज्यूम करना चाहता है। सपोज आप जो वो तीन चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 100 रुपये हैं, तो किस तरीके से आप 100 रुपये को स्पेंड करेंगे कि आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। तो कितने यूनिट जो है बाय करने चाहिए तीन प्रोडक्ट के ताकि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी मनी एक्सपेंडिचर की तमाम गुड्स के ऊपर जो है वो बराबर हो। सो एम यू ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू एम यू बी विच इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू एम यू सी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सी। नाउ द लेसन 10 जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। सो
सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड व्यूज ऑन द वैल्यू ऑफ गुड। वैल्यू ऑफ गुड के ऊपर सप्लाई साइड व्यू भी है, डिमांड साइड व्यू भी है। सप्लाई साइड व्यू के मुताबिक जो वैल्यू ऑफ गुड होती है वो डिटरमाइंड होती है लेबर कॉन्टेंट से, यानी कि प्राइस जो होती है गुड्स की वो डिपेंड करती है लेबर के ऊपर, उन लेबर के ऊपर जो कि वर्क करते हैं गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। और डिमांड साइड व्यू के मुताबिक जो वैल्यू ऑफ गुड होती है वो डिटरमाइंड होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से, यानी कि वो डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। सो इकोनॉमिस्ट जैसे कि रिकार्डो और कार्ल मार्क्स, इनका फोकस था सप्लाई साइड के ऊपर, और जो एडम स्मिथ हैं उनका फोकस था डिमांड साइड के ऊपर। सो डायमंड वाटर पैराडॉक्स का एक केस स्टडी है, इसके मुताबिक डायमंड जो है जाहिर बात है बहुत एक्सपेंसिव है, और जो वाटर है उसकी प्राइस बहुत कम है, और डायमंड जो है सारी बात इंसान की ज़रूरत नहीं है, और वाटर जो है वो ज़रूरत है फिर भी उसकी प्राइस जो है बहुत कम है। सो वाटर जो है वाइडली यूज़ होता है तो इस वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, और डायमंड जो है वो रेयरली यूज़ होता है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसी की डिटेल आप देख सकते हैं, अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं स्लाइड से भी और हैंडआउट से भी। सो नाउ द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी होना कि कुछ कोई चीज़ भी हो सकती है फ्यूचर के अंदर, इनके लैक ऑफ सर्टेनिटी या श्योरनेस होना, इनके गैर यकीनी सूरत हाल होना। और जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स होता है अनसर्टेनिटी के ऊपर, अनसर्टेनिटी के बारे में, वो डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड जो है वो रिस्क के बारे में क्या है, क्या वो रिस्क अवर्स है यानी कि रिस्क से डरता है, रिस्क लविंग है, या फिर न्यूट्रल है, 50-50। सो रिस्क का मतलब क्या है, चांस लेना पॉसिबिलिटीज असाइन करने के बाद। उसके बाद है ऑड रेशियो। ऑड रेशियो जो होता है एक ऐसा रेशियो होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर होता है, और एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन वो होता है जो कि बाय करता है गुड्स को अगर ऑड रेशियो एक से ज़्यादा है, और वो इंडिफरेंट होता है अगर ऑड रेशियो एक के बराबर है, और वो बाय नहीं करेगा अगर ऑड रेशियो एक से कम है। और रिस्क अवर्स पर्सन वो होता है जो कि बाय नहीं करता अगर ऑड रेशियो लेस देन वन है, और वो तब भी बाय नहीं करेगा जब ऑड रेशियो जो है वो एक के बराबर है। एंड ही माइट ऑल्सो नॉट डिसाइड टू बाय, और वो हो सकता है तब भी डिसाइड ना करे बाय करने के लिए अगर ऑड रेशियो एक से ज़्यादा है। और एक रिस्क लविंग पर्सन वो होता है जो कि बाय करेगा अगर ऑड रेशियो एक से ज़्यादा है, एक के बराबर है, और वो तब भी हो सकता है डिसाइड करे बाय करने के लिए जब ऑड रेशियो एक से कम हो। सो सपोज करें एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि चांस ऑफ विनिंग है 50%, चांस ऑफ लूजिंग है 50%। आप जो वो कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आएगा तो आपको दिए जाएंगे 100 रुपीज़, टेल आएगा तो आप देंगे 100 रुपीज़, तो आप इस गेम को खेलेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है। आप रिस्क अवर्स पर्सन हैं तो जाहिर बात है आप इस गेम को नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप लॉस जो है उसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे गेम के मुकाबले में, और अगर आप रिस्क लविंग पर्सन है तो आप इसको खेलेंगे। सो टोटल यूटिलिटी, द टोटल यूटिलिटी कर्व, सो जो टोटल यूटिलिटी कर्व होगा रिस्क न्यूट्रल पर्सन के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा। सो स्ट्रेट लाइन होगा टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन के लिए, और पर्सन में गो ऑन एनी साइड, और रिस्क अवर्स पर्सन के लिए कर्व जो है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। उसके बाद फिर हेजिंग, रिस्क हेजिंग, रिस्क हेजिंग इससे मुराद होता है इन्वेस्टमेंट करना, इस मकसद से इन्वेस्टमेंट की जाती है कि रिस्क को जो है वो रिड्यूस किया जाए। और इसकी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसी वजह से किया जाता है, करवाया जाता है कि रिस्क को जो है वो जारी बात है रिड्यूस किया जाता है। इन्वेस्टमेंट होती है इंश्योरेंस भी, और इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को रिड्यूस किया जाता है। नाउ द लेसन नंबर 11, जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। सो द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। सो ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑर्डर किया जा सकता है एज पर कस्टमर प्रेफरेंस। और उसके बाद है फिर इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या, एक ऐसा ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो आपके सामने यही दिखाया जा रहा है, इंडिफरेंस कर्व मौजूद है गुड एक्स और गुड वाई के ऊपर बना हुआ है, यानी कि कॉम्बिनेशन जो है वो गुड गुड एक्स और गुड वाई का है। अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के अंदर नीचे अगर हम आते हैं तो गुड एक्स बहुत ज़्यादा है, गुड वाई बहुत कम है, और अगर हम ऊपर जाते हैं तो गुड वाई बहुत ज़्यादा है, गुड एक्स बहुत कम है। तो जितना सेटिस्फेक्शन हमें ऊपर मिल रहा है उतना ही नीचे मिल रहा है, और दरमियान में भी उतना ही मिल रहा है। और कॉम्बिनेशन गुड एक्स का और गुड वाई का जारी बात है डिफरेंट है, कहीं पर गुड एक्स ज़्यादा है, कहीं पर गुड एक्स कम, गुड वाई कहीं पर गुड एक्स ज़्यादा है, कहीं पर गुड वाई ज़्यादा है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम है। उसके बाद है फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, और इससे मुराद होता है वो रेट जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो गिव अप करता है, सेक्रीफाइस करता है सम अमाउंट जो है गुड वन का, एक गुड का कुछ अमाउंट जो है वो सेक्रीफाइस करता है इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड, दूसरे गुड के लिए, यानी कि दूसरे गुड के कुछ अमाउंट को
हासिल करने के लिए वो एक गुट का कुछ अमाउंट जो है वो सेक्रीफाइस कर देगा, और जिस रेट पे करेगा उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो ये वो रेट है जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो गिव अप करता है कुछ अमाउंट एक गुड का ताकि एक्सचेंज कर सके दूसरे गुड से। सो इसका फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स विच इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम आर एस। सो इंडिफरेंस कर्व जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए वो स्ट्रेट लाइन होता है, और एल शेप होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो आपके सामने इंडिफरेंस कर्व है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए, ये स्ट्रेट लाइन वाला इंडिफरेंस कर्व है क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए है। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये जो है एल शेप का है, ये जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए है। सो बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन शो करती है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को सेम बजट के साथ। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप गुड एक्स और गुड वाई ये दोनों आप खरीदते हैं, तो 100 रुपीज़ में अगर आप गुड एक्स ज़्यादा खरीदेंगे तो गुड वाई को कम खरीदेंगे, गुड वाई को ज़्यादा खरीदेंगे तो गुड एक्स को कम खरीदेंगे। तो इसी चीज़ के कॉम्बिनेशन को जो है ये बजट लाइन शो कर रही है। अगर आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम ऊपर आते हैं बजट लाइन के अंदर, तो गुड वाई ज़्यादा है आपने खरीद लिया, गुड एक्स बहुत कम खरीदा है, और अगर नीचे जाते हैं तो गुड एक्स ज़्यादा खरीद लिया गुड वाई कम खरीदा है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है सेम बजट के ऊपर। सो इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, सो बजट लाइन इन टर्म्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, सो के एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस एल वाई इज इक्वल्स टू एम, और एल वाई को एक तरफ करेंगे हम तो माइनस के एक्स प्लस एम हो जाएगा, और एल नीचे जाएगा तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डिवाइड बाई एल प्लस एम डिवाइड बाई एल, और एम जो है वो उसका मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, और के और एल जो है वो प्राइस है टू गुड्स का, दो गुड्स का, और एम डिवाइड बाई एल जो है वो इंटरसेप्ट है, और माइनस के डिवाइड बाई एल जो है वो बराबर है पी एक्स माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई इज इक्वल्स टू स्लोप। सो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कर सकती है अगर टोटल बजट के अंदर चेंज आता है। सो अगर इनकम के अंदर इजाफा होगा तो बजट लाइन जो है वो राइट पे शिफ्ट कर जाएगी, आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अगर जो है जारी बात है 100 रुपीज़ से 200 हो जाएगा तो क्या होगा कि बजट लाइन के अंदर शिफ्ट आ जाएगा, और अगर रिलेटिव प्राइस रेशियो के अंदर शिफ्ट आता है तो जो स्लोप होगा बजट लाइन का उसके अंदर चेंज आ जाएगा। तो ये हुआ लेसन नंबर 11। नाउ द लेसन नंबर 12 जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। सो द ऑप्टिमल ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट कौन सा होता है? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट करती है हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को, और उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का वो बराबर होता है, और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो एम आर एस बराबर होता है पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी ऑफ वाई। अब इसी चीज़ को ग्राफ से देखते हैं। सो यहाँ पर जो कर्व दिखाई दे रहा है ये इंडिफरेंस कर्व है, और जो स्ट्रेट लाइन है ये बजट लाइन है। सो टी वो पॉइंट है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट करता है बजट लाइन को, और यही जो है वो ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है। सो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाया जा रहा है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के जरिए। तो जो आप स्ट्रेट लाइंस देख रहे हैं ये हैं बजट लाइन, और जो कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व है। सो जो टी जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो जहाँ पर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट है जो टी पॉइंट है। सो फिगर ने ये बताया किस तरीके से मिनिमाइज की जाती है कॉस्ट, और उसके बाद है नॉर्मल एंड डिफरेंट गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी कंजम्पशन के अंदर इजाफा होता है जब इनकम के अंदर इजाफा होता है, और इन्फेरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी कंजम्पशन के अंदर कमी आती है जब इनकम के अंदर इजाफा होता है, और गिफिन गुड इन्फेरियर गुड की एक सब कैटेगरी होती है। सो इट्स कंजम्पशन इंक्रीज व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज, और ये इस वजह से होता है कि इन स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट की वजह से। और नॉर्मल और इन्फेरियर दोनों जो गुड्स होते हैं उनका जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। अब आपके सामने है इनकम कंजम्पशन कर्व। सो इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो एक ग्राफ होता है कॉम्बिनेशन का दो गुड्स का, जो कि मैक्सिमाइज करता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर। और इनकम कंजम्पशन कर्व का इस्तेमाल करते हुए एंजल कर्व को ड्राइव किया जाता है, जो कि शो करता है रिलेशनशिप इनकम के दरमियान और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। अब आपके सामने यही चीज़ दिखाई जा रही है एंजल कर्व के जरिए, गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के दरमियान एक रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है एंजल कर्व के जरिए। सो एंजल कर्व पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नॉर्मल गुड की। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो नॉर्मल गुड की बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं गुड एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है वो गुड एक्स की बढ़ रही है, इसी वजह से एंजल कर्व ऊपर की तरफ जाता जा रहा है।
सो नाउ द प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है? एक ग्राफ है जो कि शो करता है कंज्यूमर की कंजम्पशन चॉइस को, कि कंज्यूमर की जो है वो कंजम्पशन चॉइस जो है वो चेंज होती है जब प्राइस जो है गुड्स में से एक गुड की चेंज होती है। यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है एक ऐसा ग्राफ है जो शो करता है कि कैसे कंज्यूमर की कंजम्पशन चॉइस चेंज होती है जब प्राइस जो है गुड्स में से एक की चेंज होती है। और जब प्राइस जो है एक गुड की चेंज होती है तो दो चीज़ें होती हैं, वन दी परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर चेंज, परचेजिंग पावर जो होती है कंज्यूमर की वो चेंज होती है, बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाती है। और सेकेंडली जो है स्लोप जो है बजट लाइन का चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस रेशियो। सो जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है प्राइस राइज का वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होता है। और उसके बाद है फिर लिमिटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली चीज़ ये कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस सिर्फ दो गुड्स के लिए पॉसिबल है और एट बेस्ट थ्री के लिए, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली ड्राइव किया जाए इंडिफरेंस कर्व। और कंज्यूमर जो है वो हो सकता है हमेशा जो है वो रैशनली बिहेव नहीं करे, और कंज्यूमर जो है वो हो सकता है हमेशा रियलाइज़ ना करे लेवल ऑफ यूटिलिटी कंजम्पशन से जो उसने ओरिजिनली एक्सपेक्ट किया है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मदद नहीं कर सकता अगर गुड्स में से एक गुड जो है वो ड्यूरेबल गुड है। तो ये हुआ लेसन नंबर 12 कंप्लीट।